नमस्कार, आज मैं RKIS एजुकेटिव चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय वाच्य के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। वाच्य की परिभाषा। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे नेताजी सुंदर लग रहे थे, इस वाक्य में नेताजी कर्ता को दर्शाते हैं। दूसरा वाक्य है बाल गोविंद भक्त खेती बाड़ी कर रहे हैं, इस वाक्य में खेती बाड़ी कर्म को दर्शाती है। तीसरा वाक्य है उससे रोया नहीं जाता, इस वाक्य में रोना भाव को दर्शाता है। अब हम पढ़ेंगे वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के भी दो भेद होते हैं, जिन्हें कर्मवाच्य और भाववाच्य के नाम से जाना जाता है। वाच्य के दो भेद, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अब हम कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ेंगे। कर्तृवाच्य में क्या होता है, क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो, तो वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य में कर्म की प्रधानता ना होकर कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। जैसे बालक सोता है, बच्चे खेलते हैं, गीता खाती है, राजीव पुस्तक पढ़ता है, हालदार साहब ने पान खाया। पहले वाक्य में बालक एक वचन है, इस वाक्य में क्रिया का रूप भी एक वचन में है। अब दूसरे वाक्य में बच्चे बहुवचन है, इस वाक्य में क्रिया का रूप भी बहुवचन में है। तीसरे वाक्य में गीता शब्द जो है स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है। चौथे वाक्य में राजीव पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग है। पांचवें वाक्य में हालदार साहब पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग है। अतः स्पष्ट है कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। वाच्य का दूसरा भेद है अकर्तृवाच्य। क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती, तो इस प्रकार के वाच्यों को अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला भेद है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्ता की प्रमुखता नहीं होती है, इसमें कर्म की प्रमुखता होती है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार ही होते हैं। अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म से हो, तो वह वाक्य कर्मवाच्य होता है। जैसे रीना द्वारा गीत गाया गया, पतंग उड़ रही है, रोगी को दवाई दे दी गई है, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता है और क्रिया का रूप कर्म के आधार पर ही है। अब हम अकर्तृवाच्य के दूसरे उपभेद भाववाच्य के बारे में पढ़ेंगे।
क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है। भावाच्य में ना तो कर्म प्रधान होता है ना तो कर्ता प्रधान होता है, इसमें भाव प्रधान होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार होते हैं। ऐसे वाक्यों में पुल्लिंग, एकवचन तथा अन्य पुरुष का रूप सामने आता है। क्रिया की निर्भरता भाव पर रहती है, जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता, बच्चों से लिखा नहीं जाता। उपरोक्त वाक्यों में करता है, परंतु वाक्यों में क्रिया स्वयं प्रधान है। क्रिया निश्चित भाव पर निर्भर है, ऐसे वाक्य भाववाच्य होते हैं।